उनके लड़के का नाम है रेवत और उनकी बिटिया को नाम है रेवती। जो राजा आनर्त की नातन है रेवती, उनकी शादी भगवान के बड़े भैया बलराम जी के साथ में हुई है। जब बड़े की शादी हो गई, अब छोटे की शादियां आने लगी, तो प्रभु का पहला विवाह कब, कैसे, कहां पर और किसके साथ में हुआ है। भगवानम भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरानानम राक्षसेन विधानेन उपयेयति श्रुतमः। राजा भीष्मक, उनके बेटों में एक बिटिया थी जिसका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी दिखने में बहुत सुंदर थी। रुक्मिणी की शादी कैसी हुई है भगवान के साथ में, भैया एक समय की बात है, जो ये रुक्मिणी है ये दिखने में बहुत सुंदर है, तो एक दिन ये सहेलियों के साथ में छिपा छिपी का खेल खेल रही है। तब तक सहेलियां जो थी वो आपस में बातें करने लगी, बोली बहना आज हमारे पति आ रहे मुझे लेने, दूसरी बोली मैं भी कल चली जाऊंगी। तो रुक्मिणी ने जवाब दो जे शादी विवाह की बातें घर पे करो, यहां ना करो। तो एक सहेली रुक्मिणी से बोली है बहना तेरो बबूला का बेकारी है जो तू कुआरी है। तेरो बबूला का बेकारी है जो तू कुआरी बरस तू हमसे बड़ी है, तो लड़वे को तैयार खड़ी है। तेरी अवकायो मरिया मारी है जो तू कुआरी। माइके में डोले बकर सिंगारो आर्य
कर नहीं बिना तान के सोए, चाहे तुम घड़िया पहनो हजार। मुख नहीं बिना पानी के सोए, चाहे तुम पान रे चबो सौ बार। शीश झुकाए बिना नहीं सोवे, चाहे जुलभिया होए छवेदार। पत्नी बिना पति के न सोए, चाहे वह रोज रे करे सिंगार। भैया बिना बहन नहीं सोए, पूरो भरो रहे परिवार। ए ब्याह बिना बबुला के न सोए, चाहे जावे सब संसार। चंदन नहीं होवे, मलिया गिर के पास लगाओ। लिखे यंग कहीं जोरे विधना के, वीरन कोई मिटैया